from Maulana Azad Stadium, Kausa, Mumra, and also streaming is available on YouTube. Dasvan Saal Reformation Cup 2022 ka. Organized by Reformation Sports Foundation. Cup 2022 mein istiqbal kiya jata hai. Jamaat Islami Hind Youth Wing and Students Islamic Organization of India. मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे मोहतरम सेक्रेटरी हलका जनाब जफर अंसारी साहब और वो इसी मुकाम इसी इलाके के हैं और यहाँ इनका तारुफ मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब नहीं है इसलिए वो हर दिल अजीज़ इस इलाके के इस मुकाम के हैं। जफर साहब आपका इस्तकबाल है और आपका हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से वेलकम भी करते हैं और आपको कैसा लग रहा है कैसा फील हो रहा है इस वक्त रिफॉर्मेशन कप 2022 के इस माहौल में? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और यहाँ आज आया तो मुझे लगा कि मैं पहले दिन क्यों नहीं आया था। इन्हें आपने इन दो दिनों को मिस किया और इस वक्त अभी हमारी दो टीमें यहाँ पर मैच खेलने वाली है उनके लिए कोई मैसेज? नहीं बिल्कुल है कि जिस तरह आप आज एक टीम के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं और जिस तरह आप पूरे जोश के साथ हमारे इस प्रोग्राम में और इस फुटबॉल टूर्नामेंट में शरीक हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आप यहीं से जो कामयाब होने का जो ये आपकी सोच है वो लेकर आगे बढ़ें और दुनिया की ज़िंदगी में भी आप कामयाबी के लिए मेहनत करें और इस दिन दुनिया के बाद एक बहुत दूसरी दुनिया आने वाली है जिसको हम आखिरत की दुनिया कहते हैं तो उसके लिए भी आप कोशिश करें वहाँ भी कामयाब होने की फिक्र करें। बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए। जफर साहब का ये मैसेज कि खूब मेहनत करें टीम वर्क के साथ हार्ड वर्क के साथ खेलें यहाँ भी जीत हासिल करें और अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूशन को भी दें यहाँ भी कामयाब हो और इस तरह से आखिरत में भी कामयाब की तरफ आगे बढ़ें ये मैसेज था हमारे सेक्रेटरी हलका जफर अंसारी साहब का। उम्मीद है कि आप हमारे साथ शाम तक रहेंगे। हमारा यहाँ जूनियर का फाइनल और इंशाल्लाह सीनियर कैटेगरी का भी फाइनल आज होगा अलॉन्ग विद द ग्रैंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। ग्रीन जर्सी में खेल रही है झारखंड एफसी और रेड जर्सी में खेल रहे हैं अंजुमन फुटबॉल क्लब। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आक्रामक यहाँ पर शुरुआत इस मैच का पहला हाफ यहाँ पर शुरू हो चुका है और रेड जर्सी में खेलते हुए अंजुमन फुटबॉल क्लब ग्रीन जर्सी में खेलते हुए झारखंड फुटबॉल क्लब। कल असम एवेंजर्स की टीम भी यहाँ पार्टिसिपेट की थी। इस तरह ये टूर्नामेंट सिर्फ मुंब्रा सिर्फ महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र से बाहर भी असम झारखंड इससे पहले गोवा इस तरह की टीम्स ने भी भाग लिया है और वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से इस टूर्नामेंट को स्टेट लेवल का दर्जा हासिल हो चुका है। ऑफिशियल हेड लेटर हेड के जरिए उन्होंने कम्युनिकेट किया कि रिफॉर्मेशन कप इज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट। ये बड़ा एजाज है रिफॉर्मेशन फाउंडेशन कमेटी के लिए जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग और एसआईओ मुमरा के लिए और ये टूर्नामेंट दसवां साल हर साल ये टूर्नामेंट अगले स्टेज पर नए डेवलपमेंट के साथ नए क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ता गया और उसमें एक नया एडिशन जूनियर फुटबॉल और फिर इंटर स्कूल फुटबॉल कॉम्पिटिशन जिसका ग्रैंड फाइनल आज आप शाम को मून लाइट यानी मून स्टार बॉयज वर्सेस मेस्को बॉयज के बीच खेलते हुए देखेंगे। एक सीन यहां पर बहुत ही अच्छा चांस वहां पर जबरदस्त पास वहां पर रेड जर्सी में खिलाड़ी लेकर बॉल आगे बढ़ते हुए यहां पर चांस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन डीरिया के अंदर शूट हुआ लेकिन बॉल पूरी तरह से ऊंचाई हासिल करते हुए ग्राउंड के बाहर और चांस चूके लेकिन बहुत ही जबरदस्त कोशिश बढ़िया प्रयास सॉलिड एफर्ट देयर फ्रॉम दी अंजुमन फुटबॉल प्लेयर्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉलिंग स्किल्स दे क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी बट मिस्ड इवेंचुअली बट दैट्स अ गुड स्टार्ट दिस इज द फर्स्ट हाफ येट अगेन पोजिशन विद अंजुमन great part good great passing there coordination from the boys in the red jerseys dobara ball position anjuman ke paas ball ko lekar aage badhte hue bahut hi acha dodge kiya lekin bahut hi chust wahan par defender ball ko clear karne mein kamyab hamare muazzaz rukne jamaat mohtaram afsar usmani sahab ka reformation cup 2022 mein hum istiqbal karte hain sath hi sath ayub sheikh sahab ka bhi adam falai sahab ka bhi to
थ्रो इन वहां पर अंजुमन के लिए, रेड जर्सीज के अंजुमन बॉयज वहां पर बहुत अच्छी पासिंग के साथ खेलते हुए अभी तक काफी अच्छा पोजीशन उन्होंने हासिल किया है। झारखंड एफसी का थ्रो इन, हेलो मैच ऑफिशियल्स तपन घोष, असिस्टेंट रेफरीज अब्दुल हक एंड सुहेल मंजारे फ्रॉम यवतमाल। एक रोमांचक मैच इस वक्त यहां पर इस मौलाना आजाद स्टेडियम में आपको लाइव, इसी के साथ YouTube पर इसका स्ट्रीमिंग जारी है। आप इस YouTube लिंक के जरिए से भी अपने दोस्त फुटबॉल प्रेमी को शेयर कर सकते हैं। शूट लेने के वहां प्रयास, खिलाड़ी के पास गेंद बहुत ही अच्छी वहां पर शानदार, लेकिन ऑफसाइड का इशारा रेफरी द्वारा वहां पर फ्लैग रेज हो चुका था और वो ऑफसाइड कॉल एंड विल बी थ्रो इन। गोल किक बहुत ही अच्छा वहां पर बैलेंस रोककर बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में। ग्रीन जर्सीज के पास गेंद, अच्छा पास लेकिन कट हुआ वहां पर एक चांस, लेकिन कोई संभावना नहीं। अंजुमन की गोलकीपर ने अपने खिलाड़ी को बॉल पास किया, बहुत ही अच्छा वहां पर कोऑर्डिनेशन और पासिंग। दैट्स अ गुड क्रॉस, विल दैट बी अ चांस, बट द गोलकीपर ऑफ झारखंड एफसी वेरी अलर्ट, करेक्ट्स द बॉल सेफली एंड नो चांस फॉर एनी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, बट वंडरफुल एफर्ट देयर। बट थ्रो इन, बहुत ही अच्छा बॉल वहां पर, देखना होगा कि वो क्लियर किया जाएगा। उसी तरह बॉल क्लियर किया गया, झारखंड एफसी के खिलाड़ी ने क्लियर किया, ये बॉल प्लेइंग एरिया से बाहर एंड दैट विल बी चांस फॉर अंजुमन फॉर अ थ्रो इन। लॉन्ग थ्रो इन की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर पूरे बाउंड्री एड्स के थ्रो करते हुए वहां पर थ्रो इन एंड हेडर, और यहां पर एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन खिलाड़ियों की अपील, दोबारा वहां पर पोजीशन रेड जर्सी के खिलाड़ी के पास, लेकिन अच्छा डिफेंस वहां पर, दोबारा पोजीशन मिस हुआ, लेकिन खिलाड़ी बहुत ही चुस्त वहां पर, अच्छी कोऑर्डिनेशन। बॉल दोबारा डी एरिया के अंदर, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, अंजुमन का चांस हो सकता था, लेकिन एक शूट जो ग्राउंड के बाहर जाएगा, इसी रूप में ये बॉल थ्रो इन। झारखंड एफसी के खिलाड़ी के पास गेंद, पास किया आसानी से, दोबारा बॉल को कलेक्ट किया अंजुमन के खिलाड़ी ने, बॉल को रोका, लेकिन दोबारा पोजीशन झारखंड के खिलाड़ी के पास, बहुत अच्छी पासिंग वहां पर, और रॉन्ग पास के जरिए से बॉल मैदान से बाहर, थ्रो इन। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन इस कॉम्पिटिशन का फॉर्मेट, अच्छी पासिंग, अभी तक 0-0 का स्कोर लाइन, अंजुमन एफसी 0 झारखंड एफसी 0, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मैच इन प्रोग्रेस। मुंब्रा कौसा के मौलाना आजाद स्टेडियम में इस वक्त यह मैच लाइव आपके सामने, और इसी तरह YouTube पर इस मैच को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, बहुत शानदार वहां पर फुटबॉल, और एक दोबारा फिर एक मरतबा झारखंड के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ने में कामयाब होते हुए, फिर एक बार पोजीशन ग्रीन बॉयज के पास, लेकिन लॉन्ग वॉली बॉल, कोई चांस नहीं, बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, विल बी अ गोल किक फॉर अंजुमन एफसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज द लास्ट एंड फाइनल डे ऑफ रिफॉर्मेशन कप 2022, और आज बहुत ही रोमांचक मैचेस आपके सामने आएंगे। जूनियर फॉर्मेट का फाइनल मैच होगा मून स्टार बॉयज वर्सेस मेस्को बॉयज के बीच, और बहुत तेज दौड़ के जरिए से यहां पर
लॉन्ग थ्रो इन फॉर झारखंड एफसी। बहुत अच्छी पासिंग वहां पर, एक और मौका लेकिन पास इस वक्त यहां पर इस मुंब्रा कौसा के मौलाना आजाद स्टेडियम। अब दो बहुत ही शानदार टीमों के बीच यह मुकाबला अभी तक 0-0 की स्कोर लाइन पर। अंजुमन एफसी 0 झारखंड एफसी 0, ग्रीन जर्सी में खेलते हुए झारखंड एफसी रेड जर्सीज में खेलते हुए अंजुमन एफसी। बॉल आउटसाइड द प्ले एरिया, थ्रो इन होगा वहां पर जरूर। दोनों टीमें अपना अपना पहला गोल करने की पूरी पूरी कोशिश में यहां पर लगे हुए हैं। बहुत शानदार फुटबॉल यहां दर्शकों को, फुटबॉल प्रेमियों को देखने में मिल रहा है। आज का है तीसरा फाइनल डे, बहुत सॉलिड मैचेस, बहुत बढ़िया मैचेस, रोमांचक फाइनल जूनियर्स का मून स्टार बॉयज वर्सेस मेस्को बॉयज के बीच में होगा। और फिर साहिल फुटबॉल क्लब ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं और आज एक और फाइनलिस्ट का निर्णय होगा और वो मुकाबला करेंगे साहिल एफसी का चैंपियनशिप 2022 के लिए। ऑफसाइड का वहां पर इशारा, ऑफसाइड का रेफरी द्वारा इशारा और ये बॉल गोल किक के माध्यम से अंजुमन एफसी के खिलाड़ी लेकर आगे बढ़ते हुए सब्स्टिट्यूशन वहां पर हुआ है। अंजुमन के लिए एक खिलाड़ी बाहर हुए, दूसरे खिलाड़ी अंदर मैदान के, और ये पोजीशन इस वक्त झारखंड एफसी के लिए। छोटे खत्ती खिलाड़ी बॉल को होल्ड करके पास करने की कोशिश में नाकाम रहे, वहां पर अंजुमन एफसी के खिलाड़ी बॉल को छीनना चाहते थे। दोबारा एक बार झारखंड एफसी के पास बॉल, अच्छी पासिंग वहां पर लेफ्ट विंग में, वो लॉन्ग बॉल देने की पूरी प्रयत्न में, बॉल आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी ने रोकने की कोशिश की लेकिन बॉल बाहर जा चुका है। दिस विल बी अ थ्रो इन फॉर झारखंड एफसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हमें करना हमारी जिम्मेदारी है। जोरदार तालियां हो जाए, जागो मुंब्रा जागो। लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां हो जाए अंजुमन एफसी और झारखंड एफसी के लिए। रिफॉर्मेशन कप 2022 का यह 10वां एडिशन आपके सामने, मौलाना आजाद स्टेडियम कौसा मुंब्रा, यहां पर लाइव मैचेस आपके सामने लाए जा रहे हैं। और आज शाम में इंशाल्लाह शानदार जूनियर्स का फाइनल होगा और फिर रिफॉर्मेशन कप सीनियर चैंपियनशिप के लिए साहिल फुटबॉल क्लब फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और एक टीम आज फाइनल में पहुंचेगी और साहिल फुटबॉल क्लब का सामना करेगी और ये दोनों टीमें चैंपियनशिप के लिए एक बहुत ही शानदार मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। इस मैच के मेन मैच रेफरी तपन घोष, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए साइडलाइन पर अब्दुल हक और सुहेल मंजारे फ्रॉम यवतमाल। लॉन्ग बॉल, अच्छी कोशिश वहां पर लेकिन गोलकीपर भी वहां पर चुस्त थे, बॉल को उन्होंने पंच किया, क्लियर किया। इस वक्त खिलाड़ी दोबारा डी के अंदर ले जाने की अंजुमन के खिलाड़ी की कोशिश, रेड जर्सी में वहां पर फाउल का इशारा होगा रेफरी द्वारा। मैदान पर है खिलाड़ी, मेडिकल असिस्टेंस की शायद जरूरत पड़ेगी। मेडिकल स्टाफ यहां पर बहुत ही चुस्त और तैनात, रेफरी का इशारा का इंतजार। वहां पर कोई खास मामला नहीं, मैदान पर खिलाड़ी बैठे हैं, थोड़ा फाउल हुआ था और इस वक्त मैदान में खिलाड़ी, रेफरी मैदान गेम को स्टार्ट करें। गाड़ी नंबर MS04LC4248, गाड़ी नंबर MS04LC4248, जिस किसी भी की भी ये गाड़ी हो स्टेज पर आकर मुलाकात करें। गाड़ी नंबर MS04LC4248। ये फ्री किक अंजुमन के लिए बहुत ही शानदार सुनहरा मौका, इस फ्री किक को डी के बहुत करीब, गोल पोस्ट से बहुत करीब कन्वर्ट करने की खास कोशिश। हेडर, अच्छा क्लियरेंस, बॉल को गेंद गेम के अंदर बाउंड्री के अंदर रखने में कामयाब हुए झारखंड के खिलाड़ी। एडवोकेट जजील नौरंगे साहब का हम इस्तकबाल करते हैं रिफॉर्मेशन कप 2022 में। बहुत ही शानदार क्रॉस वहां पर, खिलाड़ी सोशल एक्टिविस्ट जरूर थे। एडवोकेट जजील नौरंगे साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। थ्रो इन मिलेगा, पहला हाफ यहां पर अभी तक दोनों अच्छा फुटबॉल जरूर खेले लेकिन कोई गोल
अभी तक इस मैच में हो नहीं पाया है। स्कोर लाइन 0-0, 0-0 द स्कोर करेंटली इन दिस मैच। नन ऑफ द टीम्स हैव स्कोर्ड। डेफिनेटली देयर हैव बीन चांसेस बट नो गोल स्कोर। गुड फुटबॉल इन डिस्प्ले। थ्रो इन, फ्री किक इन फेवर ऑफ द रेड जर्सीज, दैट्स द अंजुमन फुटबॉल क्लब। विल दे कन्वर्ट दिस इन टू अ गोल, द मच नीडेड गोल, लेकिन नाकाम। फ्री किक को कन्वर्ट नहीं कर पाए अंजुमन फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी। दोबारा मैच वहां पर थ्रो इन के जरिए से शुरू होगा, लेकिन इस मैच में अभी तक स्कोर लाइन है 0-0। पहला हाफ अफरे तकरीबन आखिरी लम्हों में, आखिरी क्षणों में, वी आर द लास्ट फ्यू मिनट्स इन द फर्स्ट हाफ। नो टीम हैव स्कोर्ड एनी गोल सो फार। झारखंड एफसी गेटिंग द पोजीशन बैक नाउ आफ्टर सम टाइम। अंजुमन एफसी के खिलाड़ी बॉल लेकर उसको चेस करते हुए, झारखंड के खिलाड़ी ने बहुत ही चुस्ती के साथ वहां पर बॉल को छीना, अपने खिलाड़ी को पास किया और वो उन्होंने क्लियर किया। वहां के उनके खिलाड़ी मौजूद, अच्छी पासिंग वहां पर, बॉल थोड़ा तेज, बॉल जाएगा मैदान के बाहर। इसका मतलब है अंजुमन फुटबॉल क्लब के लिए थ्रो इन, विल बी अ थ्रो इन फॉर अंजुमन फुटबॉल क्लब। लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट गोल, दे हैव गॉट द पोजीशन एट अ हायर नोट बट नॉट कन्वर्टेड इन टू एनी अपॉर्चुनिटी। Throw in for Jharkhand FC. Throw in taken. Ball passed back. Both having good coordination. Well balanced. Well stopped. Ball on the left wing. Header के माध्यम से आगे लेके जाने की कोशिश, वहां goalkeeper चुस्त आगे आए, ball को collect किया और अंजुमन के खिलाड़ी के पास ball pass करने में कामयाब हुए। Midfield में ball, Jharkhand के पास इस वक्त गेंद, passing करने की कोशिश अपने खिलाड़ी की तलाश में, pass किया, ball को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत coordination, लेकिन wrong pass। अंजुमन दोबारा रॉन्ग पास और फिर यहां पर पोजीशन दोबारा अंजुमन के खिलाड़ी के पास, अच्छी कोऑर्डिनेशन वहां पर। इस वक्त पहला हाफ यहां जारी, लॉन्ग बॉल कैच नहीं कर पाएंगे खिलाड़ी, बॉल बाहर जाएगा मैदान के और यू विल बी अ थ्रो इन फॉर द प्लेयर्स। दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मैच इन ब्राइट सनलाइट ऑफ दिस मौलाना आजाद स्टेडियम कौसा मुमरा। रेड जर्सी में खेलते हुए अंजुमन के खिलाड़ी पूरी अपनी कोशिश और फाउल का इशारा मेन मैच रेफरी तपन घोष द्वारा उनको सपोर्ट करते हुए अब्दुल हक, और दूसरे लाइन पर है सुहेल मंजारे जो यावर रिसाल बेग। साफ रिक्वेस्ट है स्टेज के पास आ जाएं। फ्री किक झारखंड के खिलाड़ियों के लिए, रेफरी का इशारा खिलाड़ी को पीछे करने का, वहां पर फ्री किक के लिए वहां पर आसानी से कलेक्शन करते हुए अंजुमन के खिलाड़ी वहां पर किक के माध्यम से गेंद को मिडफील्ड में पहुंचाते हुए, अच्छा पास वहां पर, ये गोल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत कम वहां पर खिलाड़ी झारखंड एफसी के, पासिंग हुई लेकिन गलत पासिंग नहीं कह सकते उसको, लॉन्ग बॉल हो गया, बॉल मैदान से बाहर जाएगा और ये होगा गोल किक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे यहां पर हमारे साथ इस वक्त इस मैदान में मौजूद, फुटबॉल प्रेमी, फुटबॉल दर्शक, आने वाले दिनों में चैंपियंस बनने वाले छोटे फुटबॉल फैंस, अपने खिलाड़ियों को देखते हुए फुटबॉल का मजा लेते हुए अंजुमन के खिलाड़ियों के पास इस वक्त बॉल पोजीशन, अच्छी पासिंग वहां पर, बॉल को तेजी से आगे ले जाने की कोशिश, बॉल को रोका, बहुत ही तेजी से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं खिलाड़ी जरूर, बहुत शानदार, बहुत करीब है डीके और वहां पर उनके अपने दूसरे खिलाड़ी को उन्होंने पास किया, लेकिन अच्छी डिफेंस वहां पर, झारखंड के फुल खिलाड़ी गोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सामने आने की कोशिश, बहुत ही अच्छा क्रॉस वहां पर, और ये डी के अंदर कोई ग्रीन टी शर्ट नहीं मौजूद, इसी तरह नीली टी शर्ट वाले गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और सेफली अपने खिलाड़ी को पास करने में कामयाब। एक बहुत ही शानदार
क्रॉस, अरे बहुत ही सुनहरा मौका वहां पर, हेडर जरूर हुआ था लेकिन गोलकीपर की शानदार चुस्ती ने वहां पर सेव किया और कोई गोल नहीं वहां पर। अंजुमन के खिलाड़ी बहुत ही आक्रामक फुटबॉल खेलते हुए, लॉन्ग वॉली शूट था एक और मरतबा, लेकिन गोलकीपर आसानी से कलेक्ट करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शानदार मैच यहां पर आपको देखने में मिल रहा है। झारखंड एफसी खेलते हुए ग्रीन जर्सी में, लाल जर्सी में खेलते हुए अंजुमन फुटबॉल क्लब। ये पहला हाफ, अभी तक कोई स्कोर नहीं, स्कोर 0-0 और हम तकरीबन अपने फर्स्ट हाफ के आखिरी लम्हों में, आखिरी मिनट्स में इस वक्त ये मैच, एक और हाफ इसका बाकी है लेकिन स्कोर अभी तक 0-0। अगर मैच टाई होता तो मैच का निर्णय फैसला होगा पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से। दिस इज द फर्स्ट हाफ, वी हैव द सेकेंड हाफ इन रिमेनिंग। बहुत ही अच्छा हेडर वहां पर, एक और मरतबा, एक चांस हो सकता है। डी के अंदर लाल टी शर्ट, लेकिन वही मौजूद थे ग्रीन टी शर्ट वाले फुटबॉल क्लब ऑफ झारखंड के खिलाड़ी ने क्लियर किया बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया और यह मिलेगा कॉर्नर किक। क्या इस कॉर्नर किक का भरपूर फायदा लेंगे अंजुमन, ये देखना होगा। विल दे कन्वर्ट दिस इनटू अ गोल, दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अंजुमन। कॉर्नर किक मिला है, इस कॉर्नर को कन्वर्ट करने से वो लीड ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, सॉलिड वहां पर क्रॉस, लेकिन उतनी शानदार वहां पर गोलकीपिंग, गोलकीपर बहुत ही चुस्त रहे, प्रोटेक्ट किया गेंद को, पूरी तरह कब्जा करने में कामयाब गोलकीपर मैदान पर। इस वक्त दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपने पहले गोल की तलाश में। कॉर्नर किक भी बहुत शानदार था लेकिन बहुत ही चुस्त गोलकीपिंग का मुजाहिरा वहां पर प्रदर्शन, एक्सेलेंट गोलकीपिंग स्किल डिस्प्लेड बाय द गोलकीपर ऑफ फुटबॉल क्लब झारखंड। स्कोर्स एट दिस मोमेंट इन द फर्स्ट हाफ 0-0, वी हैव द सेकेंड हाफ रिमेनिंग इन दिस मैच। इफ द स्कोर्स आर लेवल आफ्टर द फुल टाइम द मैच विल बी डिसाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अ पेनल्टी शूट आउट। दिस विल बी अ गोल किक फॉर झारखंड, सॉलिड किक देयर क्लियरिंग द मिडफील्ड, एक्सेलेंट हेडर, वंस अगेन बैक टू द एरिया। अंजुमन बॉयज कलेक्टिंग इट वेल, लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर टू कीप द बॉल इन पोजिशन, गुड डिफेंस देयर फ्रॉम अंजुमन, एक्सेलेंट पासिंग बट दैट मिसेस। विल दैट बी अ डेंजर फॉर green but the defender clearing it quite well, no danger, no score so far, 0-0 the score line, 0-0 ka yahan par score line is waqt anjuman football club aur jharkhand football club ke beech, maidan se jata hua gend bahar, will be a throw in milega anjuman ke liye, ball ko achhi tarah sambhala, balance kiya wahan par, अपने खिलाड़ी को पास किया, बहुत ही शानदार वहां पर डिफेंडर जरूर मौजूद हैं, उनको भी डॉच करते हुए आगे निकलते हुए फुटबॉल क्लब झारखंड के खिलाड़ी, लेकिन एक और डिफेंडर ने उसको क्लियर किया। बॉल इस वक्त अभी भी झारखंड के फेवर में हो सकता है लेकिन गोलकीपर सामने आए, चुस्ती के साथ बॉल को कलेक्ट किया वहां पर, कोई डेंजर नहीं। इस वक्त स्कोर लाइन अभी भी 0-0, दोनों टीमें अभी कोई गेम गोल नहीं बना पाए हैं। हेडर के माध्यम से गोल तेजी से बाहर जाते हुए और गोल किक इस वक्त मौजूद मैदान में। यहाँ पर बुजुर्ग खवातीन, नौजवान, बच्चे, फुटबॉल प्रेमी, मुमरा के हेल्थ फिजिकल फिटनेस को पसंद करने वाले यहाँ पर देशवासी। और इसी के साथ लॉन्ग विजल दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस एक्साइटिंग मैच बिटवीन अंजुमन एफसी एंड झारखंड एफसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ब्रेक लेंगे और बच्चों का कुछ कॉम्पिटिशन वहां होगा और उसके बाद फिर हम बात वापस आएंगे सेकेंड हाफ में। देखना यह होगा कि क्या कोई टीम सेकेंड हाफ में गोल स्कोर करेगी या पेनल्टी शूट आउट में इस मैच का निर्णय होगा, यह देखना होगा। वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक, बी ट्यून, स्टे इन द ग्राउंड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिस उम्मा नीड्स अ रेवोल्यूशन, अ फाइनेंस
social revolution. The same a youth wing that tried for. That too with a message. We will keep coming. सब मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम है, यूथ विंग का यही दोस्त पैगाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिस उम्मा नीड्स अ रेवोल्यूशन, अ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। द सेम अ यूथ विंग दैट ट्राइड फॉर दैट टू विद अ मैसेज। We will keep coming. सब मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम है, यूथ विंग का यही दोस्त पैगाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. This Ummah needs a revolution, a financial revolution. The same a youth wing that tried for. That too with a message. We will keep coming. Sab masail ka hal. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Oh, yeah.
رأت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي عبد الحق and Suhail Manjare are the official match referees of this match, second half of this match in progress. That's a wonderful pass. Anjuman boys with aggressive movement. Equally aggressive are the boys in green. Jharkhand. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي By the boys there, oh, that's a good well clear divided defenders there. Good chance for boys there. जरूर अपना पहला गोल यहाँ पर जल्द से जल्द बनाना चाहेंगे दोनों टीम के खिलाड़ी रेफरी का इशारा वहां पर फाउल फ्री किक होगा तपन घोष जी है इस मैच के मेन रेफरी उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए अब्दुल हक और सुहेल मंजारे फ्रॉम यावतमल वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड स्टेट लेवल का रिफॉर्मेशन कप 2022 अपने 10वें साल में वहां पर फ्री किक लेने के लिए झारखंड के खिलाड़ी तैनात रेफरी का विजिल का इशारा विजिल हो चुका है वहां पर लॉन्ग फ्री किक वहां पर जरूर लिया बहुत शानदार डी एरिया के अंदर गोलकीपर ने पंच किया बॉल को क्लियर किया अंजुमन के खिलाड़ी बॉल को संभालना चाहते हैं लेकिन प्ले एरिया के बाहर बॉल जाते हुए इस वक्त गोल किक होगा किसी भी टीम ने अभी तक इस मैच में गोल स्कोर नहीं किया अपने पहले गोल की तलाश में इस मैच का पहला गोल और आपके लिए ये बता दूं कि आज तीसरा और आखिरी दिन डिफॉर्मेशन कप 2022 का यहाँ पर इंटर स्कूल का फाइनल मैच जूनियर कैटेगरी का यानी इंटर स्कूल खेला जाएगा मून स्टार बॉयज वर्सेस मेस्को बॉयज मून स्टार पास वहां पर चूक देने में नाकाम दोबारा पोजीशन वहां पर हासिल करने में अंजुमन कामयाब हेडर के माध्यम से यहां पर इस वक्त गेंद मैदान में रेफरी के आसपास खेलता हुआ यह गेंद अंजुमन बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए डी एरिया में प्रवेश करने की कोशिश बहुत ही अच्छा सुंदर पास वहां पर रेड जर्सी क्या सुपर वहां पर गोल कीपिंग था वहां पर जबरदस्त स्टॉप वहां पर किया गोलकीपर ने ग्रीन जर्सी के खिलाड़ियों ने बॉल को संभाला और ये बॉल मैदान के बाहर जाते हुए थ्रो इन अंजुमन को वहां पर मिला थ्रो इन मिलेगा लॉन्ग थ्रो इन जरूर करेंगे वो और गोल को कन्वर्ट गोल में कन्वर्ट करने की पूरा प्रयास यहां पर लॉन्ग वाली थ्रो हेडर और ये बॉल मिस होता हुआ गोल पोस्ट से दूर कोई संभावना नहीं अच्छा रोमांचक यहां पर फुटबॉल दर्शकों के लिए यह मैच YouTube पर भी लाइव देखा जा सकता है यहां पर आपको मैदान पर लाइव मैच के साथ साथ स्क्रीन पर भी उसका टेलीकास्ट और फिर YouTube पर भी इसका टेलीकास्ट स्ट्रीमिंग जारी है अंजुमन के खिलाड़ी बॉल को जबरदस्त पोजिशन में रखने में पहले हाफ में भी कामयाब जरूर हुए थे लेकिन कोई गोल उन्होंने नहीं बना पाए और ना ही
झारखंडी खिलाड़ियों ने कोई गेंद को गोल में प्रवेश किया। इस हाफ में शुरुआत में अच्छा स्मूथ फुटबॉल और बहुत ही रोमांचक मोमेंट थोड़ी देर पहले हमको देखने में मिला, लेकिन कोई गोल नहीं। ग्रीन जर्सी के बॉयज बॉल को पोजीशन में रखने की पूरी कोशिश, यहां पर अंजुमन बॉयज के पास इस वक्त का पोजीशन, लेकिन बॉल को रोक नहीं पाएंगे खिलाड़ी। मैदान से बाहर जाता हुआ गेंद, इससे पहले के मैच में इत्तेहाद फुटबॉल क्लब को हराकर पराजित करने में कामयाब रही थी, वहां पर बीवाई फुटबॉल क्लब जो अपने आप को अगले पड़ाव में दाखिल कर चुके हैं। बीवाई फुटबॉल क्लब बीवाई एफसी वन द लास्ट मैच विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-0 अगेंस्ट इत्तेहाद फुटबॉल क्लब मुंब्रा, और यह मैच खेला जा रहा है रेड जर्सीज के अंजुमन फुटबॉल क्लब और ग्रीन जर्सीज के झारखंड फुटबॉल क्लब के बीच। मैच का स्कोर इस वक्त 0-0। क्या यह डेंजर हो सकता है? ग्रीन जर्सीज सामने आते हुए यहां पर मैच रेफरी का वहां पर वार्निंग, रेफरी के साथ वहां पर खिलाड़ियों की बातचीत होते हुए, रेफरी के साथ खिलाड़ी वहां पर डिस्कशन में, लेकिन आर्ग्यूमेंट ना करें। इस टूर्नामेंट की रूल्स और इथिक्स और वैल्यूज को सामने रखें, बरकरार रखें, क्लैरिफिकेशन जरूर पूछें, लेकिन डिसरेस्पेक्ट और आर्ग्यूमेंट ना करें। क्लैरिफिकेशन जरूर खिलाड़ी पूछ सकते हैं। यहां पर फ्री किक, ग्रीन जर्सीज के लिए नहीं, झारखंड फुटबॉल क्लब के लिए यहां पर डी के बहुत ही करीब एक अपॉर्चुनिटी फ्री किक के माध्यम से। रेफरी का विजिल का इशारा, वहां पर फुटबॉल क्लब झारखंड के लिए डी के करीब एरिया से वहां पर फ्री किक यहां पर कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश, संभावना भी है। देखते हैं कि फ्री किक किस नतीजे पर जाता है। Shoot, an excellent save there from the goalkeeper, excellent footballing skills, bahut badhiya football dekhiye yahan par, wall zarur wahan par bana tha, bahut shandar shoot, utni hi chusti ke sath goalkeeper ne ball ko save kiya, maidan ke bahar ball jaate hue wahan par corner kick milega, Jharkhand football club ke liye corner kick, कॉर्नर लेने के लिए तैयार वहां पर खिलाड़ी, और एक और मर्तबा गोलकीपर का बहुत ही चुस्ती के साथ बॉल कलेक्शन क्लियर करेंगे, और यहां पर चूकते हुए देखिए बॉल क्रॉस वहां पर लाल जर्सी के खिलाड़ी सामने आते हुए, लेकिन ऑफसाइड का फ्लैग ऊपर जा चुका था, रेफरी का ऑफसाइड का इशारा, गोलकीपर मैदान पर, कोई नुकसान नहीं किसी भी टीम के लिए, गोलकीपर जरूर मैदान पर थे लेकिन सेफ चुस्त वापस। अच्छी पासिंग, बॉल को रोका आगे लेकर जाते हुए, अंजुमन के खिलाड़ी को डॉच किया, लेकिन थोड़ा तेजी से बॉल आगे निकल गया, और यहां पर आप देखिए बॉल को अंजुमन के खिलाड़ी लेकर आगे बढ़ते हुए अपने खिलाड़ी को पास, अच्छा बॉल वहां पर, बहुत ही शानदार क्रॉस, अपने खिलाड़ी को बॉल पास करने में कामयाब, खिलाड़ी वहां पर पहुंचकर बॉल को संभालने में कामयाब, डिफेंडर बहुत ही चुस्त वहां पर बॉल को कट किया, दोबारा अंजुमन के पास बॉल, अंजुमन इन द पोजीशन ऑफ द बॉल, गुड पासिंग देयर, विल दिस बी अ चांस फॉर अंजुमन, देखना है कि उसको कन्वर्ट करके करेंगे गोल में, बॉल को तेजी से ले जाने की कोशिश, लेकिन वहां पर बॉल जाएगा बाहर मैदान के, थ्रो इन यहां पर, एक्सीलेंस को क्लोचिंग क्लासेस, अलीम सर है झारखंड फुटबॉल क्लब के स्पॉन्सर और पूरी टीम के प्रोत्साहन के लिए वो मैदान में इस वक्त, ये देखिए बहुत ही शानदार वहां पर थ्रो इन था इन्हें, और ये बॉल क्रॉस जाएगा। अलीम सर आपका हम स्वागत करते हैं, और आप हमारे इस टूर्नामेंट के बड़े सपोर्टर्स में से हम आपके आभारी हैं, और आपकी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट
इस टूर्नामेंट के वैल्यूज को प्रमोट करने में आपका साथ, आपकी टीम यहां पर बहुत ही शानदार गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन कट जरूर करेंगे अंजुमन बॉयज। इस बॉल को क्लियर किया, थ्रो इन मिलेगा यहां पर, थ्रो इन फॉर झारखंड एफसी, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस अलीम सर, हु इज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड सपोर्टिंग हिज टीम एंड प्लेयर्स। हिज टीम डूइंग एक्सेलेंट जॉब सो फार, बट नो स्कोर and that is going to be a miss. Well collected, an offside call by referee there, but flag upar gaya tha, baad mein ball clear hua, wahan par green jersey khiladi pass dene mein chuke, nakam, position ko dobara wahan par hasil karne mein kamyab to zarur hue. Referee रोलिंग सब्स्टिट्यूशन यहां पर, नौ नंबर जर्सी के खिलाड़ी बाहर आते हुए और उनकी जगह पर एक रिप्लेसमेंट अंदर, फ्री किक फॉर द झारखंड बॉयज, वेल कलेक्टेड देयर, स्कोर्स निल निल सो फार इन दिस एक्साइटिंग मैच, हेडेड आउटसाइड द ग्राउंड, थ्रो इन फॉर अंजुमन, जर्सी नंबर 13 ने थ्रो इन लिया, देखना होगा कि ये गेंद मैदान के अंदर प्लेइंग एरिया में, बहुत ही शानदार चांस, ठीक है बस शूट, लेकिन पूरी तरह छूके खिलाड़ी, अच्छा मौका, जबरदस्त यहां पर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उतने ही चुस्त वहां पर खिलाड़ी झारखंड के, बहुत ही एक अच्छा प्रयत्न, गोलकीपर बहुत ही आसानी से गेंद को कलेक्ट करेंगे और गेम रिज्यूम होगा दोबारा 0-0 के स्कोर लाइन पर, यह मैच इस वक्त अभी चलता हुआ दूसरा हाफ यहां पर प्रदर्शन पर, वहां देखिए गोलकीपर सामने आकर, मजा नहीं आया, अंजुमन बॉयज डेंजर जोन में, लेकिन क्लियर किया, पास करेंगे अपने खिलाड़ी के पास, ये देखिए बॉल वहां पर अंजुमन के खिलाड़ी के पास मौजूद, बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया वहां पर खिलाड़ी ने, सॉलिड डिफेंस, दैट्स अ गुड क्रॉस देयर, स्कोर इज 0-0, बॉल गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ऑन नॉट ऑन टारगेट, टारगेट से चूकता हुआ गेंद, कोई स्कोर अभी तक इस मैच में नहीं हो पाया है दोनों ही टीमों की जानिब से, गोल किक, बहुत ही अच्छा क्रॉस, अच्छी पासिंग, बहुत ही शानदार सेव मैं कहना चाहूंगा, बॉल मैदान से बाहर और ये कॉर्नर किक मिलेगा अंजुमन का, ये कॉर्नर किक, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन इस टूर्नामेंट का मोड, मल्टीपल रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, कॉर्नर किक अंजुमन के लिए दोबारा एक बहुत ही अच्छा मौका, दैट्स अ गुड हेडर एंड पुश हुआ वहां फाउल, मैच रेफरी का इशारा, गोल किक, स्कोर्स 0-0, दोनों ही टीमें इस वक्त 0-0 के स्कोर पर, 7 मिनट के करीब लगभग इस मैच में अभी समय बाकी, शानदार वहां पर बॉल बाहर जाते हुए रोक नहीं पाए खिलाड़ी, अच्छी कोशिश जरूर थी लेकिन रोकते तो कन्वर्ट करने का एक चांस, एक मौका था, लेकिन चूंकि अच्छी वहां पर पासिंग, अपने खिलाड़ी को पाने में कामयाब, एक और बहुत अच्छा पास वहां पर गेंद को लेकर, इस कड़ाके की धूप में अलीम सर जोश और जज्बे के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में मौजूद, पूरी स्ट्रेटजी और हौसला अफजाई के साथ कई सालों से इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हुए अलीम सर एक्सेलेंस क्लासेस के अपनी टीम को लेकर यहां पर पहले गोल की तलाश में वो बाउंड्री लाइन के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि वो
मैच में गोल, अलीम सर चाहते हैं कि गोल स्कोर हो और वो कैश प्राइज अनाउंस करें, अगर अभी तक कोई गोल हो नहीं पाया। अंजुमन बॉयज और झारखंड फुटबॉल क्लब, अलीम सर की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा जो पहले गोल स्कोर करेंगे। यहां पर खिलाड़ियों की, झारखंड की टीम से जो भी पहला गोल स्कोर करेंगे, अलीम सर की तरफ से 500 रुपए का कैश अवार्ड दिया जाएगा। द प्लेयर हु स्कोर्स द गोल फॉर झारखंड विल गेट अ कैश प्राइज ऑफ 500 रुपीज, और उसके लिए यहां पर पूरा प्रयत्न करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट का लगभग यहां पर टाइम। कॉर्नर किक अंजुमन के लिए, बहुत ही शानदार क्रॉस, उतनी ही वंडरफुल गोल कीपिंग, बहुत ही चुस्ती के साथ कलेक्ट किया गेंद को, वापस अपने खिलाड़ी को पहुंचाने की कोशिश में, बॉल मैदान से बाहर जाते हुए। थ्रो इन मिलेगा यहां पर अंजुमन के लिए, थ्रो इन लिया गया, अंजुमन के खिलाड़ी मौजूद, अच्छा वहां पर वॉली, दूसरे अंजुमन के खिलाड़ी उसको रोकेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से रोका, पास किया, गेंद को आगे ले जाता हुए, लेकिन डिफेंडर मौजूद, बॉल क्लियर हो गया, डी एरिया में दाखिल होने से पहले बॉल को क्लियर कर दिया गया डिफेंडर के माध्यम से, और ये बॉल बाहर जाता हुआ। दोबारा एक थ्रो इन मिलेगा, ये मैच में अभी तक कोई गोल हो नहीं पाया है, स्कोर है 0-0 इज द स्कोर। मैच टाई होता है बिकॉज ये दूसरा हाफ है, अगर मैच टाई होता है तो दिस मैच विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी शूट आउट्स। अंजुमन के पास गेंद, दोबारा पोजीशन बैक, अंजुमन के खिलाड़ी मौजूद, यहां पर बॉल को रोकेंगे, पास भी अच्छा हुआ वहां पर, लेकिन यहां पर झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ी बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए, वहां पर अंजुमन के कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, देखना है कि बॉल यहां पर कितना तेजी से डी के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर क्रॉस हुआ, झारखंड के खिलाड़ी मौजूद, लेकिन वही चुस्ती के साथ अंजुमन के प्लेयर ने उसको क्लियर किया। यहां पर दो और खिलाड़ी, दोनों ही टीमों के एक एक खिलाड़ी अपने बॉल को पोजीशन में रखने की कोशिश में चूके, वो अंजुमन के लिए इस वक्त थ्रो इन मिलेगा। थ्रो इन अंजुमन के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड रॉक्सी विल बी द नेक्स्ट मैच, अगला मैच खेला जाएगा रॉक्सी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। इस वक्त खेलने वाले दो टीम्स हैं, झारखंड एफसी इन द ग्रीन, अंजुमन एफसी इन द रेड। कॉर्नर किक मिला है दोबारा अंजुमन के लिए, कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी अगले इस टूर्नामेंट के स्टेज में जाने के लिए। देखते हैं कि ये कॉर्नर किक क्या अंजुमन अपने फेवर में कर पाएंगे या फिर स्कोर लाइन 0-0 पे ही रहेगा, देखना होगा रेफरी का वहां पर इंस्ट्रक्शन। अभी अंजुमन एफसी और झारखंड एफसी के दरमियान ये मैच चालू है, बस ये सेकेंड हाफ कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएगा, इसके बाद रॉक्सी एफसी एंड बैंक ऑफ रहे। लॉन्ग वॉली शूट, प्लीज आप लाइन अप हो जाए, कुछ ही देर में आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा। रॉक्सी एफसी, रॉक्सी फुटबॉल क्लब वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा खेलेंगे अगला मैच इस रिफॉर्मेशन कप 2022 का, मौलाना आजाद स्टेडियम कौसा मुमरा। इस मैच में हमको देखना होगा कि कोई गोल होगा फुल टाइम में या जाएगा पेनल्टी शूट आउट में। बहुत ही कम समय इस मैच में बचा हुआ, कोई गोल अभी तक स्कोर नहीं कर पाए हैं, पेनल्टी शूट आउट के करीब जाता हुआ यह मैच। बहुत ही अच्छा पंच, हेडर के माध्यम से फ्री किक अंजुमन के लिए। फ्री किक मिला है अंजुमन के लिए,
इससे बढ़िया मौका शायद नहीं मिलेगा अंजुमन के लिए, डी से बहुत ज्यादा दूर नहीं हलो, लेकिन हलो। और बॉल दोबारा से मैदान के बाहर जाते हुए, लेकिन बुरा पेनल्टी नहीं कहूंगा मैं, बुरा पेनल्टी, फ्री किक, अच्छा अच्छा स्ट्रोक, अच्छा अच्छा शूट लिया था उन्होंने, लेकिन थोड़ा चूके, क्वालिटी फुटबॉल, लेकिन स्कोर लाइन में कोई तब्दीली नहीं, स्कोर लाइन इस वक्त भी 0-0, फिर एक मर्तबा वो गोलकीपर पूरी अपनी मेहनत के साथ बॉल को रोकने में कामयाब। लॉन्ग वॉली क्लियरेंस, वहां पर गोल किक करते हुए झारखंड के गोलकीपर, दो खिलाड़ी वहां पर झारखंड एफसी के, बॉल को कट करने की कोशिश, यहां पर उन्होंने रोकने की कोशिश भी की और कामयाब हुए। ये देखिए पास वहां पर डी एरिया के अंदर, गोलकीपर सामने आते हुए, वहां ऑफ साइड का फ्लैग रेज होता हुआ इसी विजिल के साथ, फाइनल विजिल ऑफ दिस मैच, फुल टाइम स्कोर्स 0-0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पेनल्टी शूट के माध्यम से यह डिसाइड होगा मैच। बहुत ही शानदार लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों ही टीमों ने शानदार फुटबॉल किया। क्या आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं? जरा जोरदार तालियां बजाइए, जागो मुमरा जागो, पेविलियन में बैठे हुए लोग थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए। और अब पेनल्टी शूट आउट इस मैच को डिसाइड करेगा। अंजुमन एफसी के बॉयज जर्सी रेड में और झारखंड फुटबॉल क्लब के बॉयज जर्सी ग्रीन में। इस मैच के मेन मैच रेफरी हैं थपन घोष और अब्दुल हक, उनके साथ हैं सुहेल मंजारे। दोनों ही गोलकीपर्स के लिए बड़ा इम्तिहान, दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के लिए जो शूट लेंगे उनके लिए भी इम्तिहान। ये पेनल्टी शूट आउट, पांच पांच शूट आउट दोनों ही टीमों को मिलेंगे और जो टीम अपना संतुलन, अपना बैलेंस बनाए रखेगा, स्कोर करेगा, वो टीम जाएंगे अगले पड़ाव की तरफ। प्रॉक्सी एफसीएन बैंक ऑफ बड़ौदा तैयार रहे। रेफरी इज आर यू रेडी? तपन घोष जी पेनल्टी शूट आउट को फैसिलिटेट करवाएं जल्द से जल्द, अगला मैच भी जल्दी शुरू होना है। प्रॉक्सी फुटबॉल क्लब और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच होने वाला अगला मैच, लेकिन उससे पहले जरूर यहां पर एक रोमांचक पेनल्टी शूट आउट आपको देखने में मिलेगा। पांच पांच शूट करने के अपॉर्चुनिटीज दोनों ही टीमों को मिलेंगे और जो टीम अपने संतुलन के साथ इन शूट्स को कन्वर्ट करेंगे गोल में वो आगे बढ़ेंगे और जो भी गोलकीपर अपने टीम के लिए बचाने में, सेव करने में कामयाबी दिलाएगा वो बनेगा आज का इस मैच का हीरो। अपने टीम को अगले पड़ाव में ले जाने की पूरी कोशिश, जद्दोजहद और मेहनत करने के लिए गोलकीपर तैयार है, वहां पर शूटर्स तैयार, मेन मैच रेफरी तैयार। ऑडियंस आर यू रेडी? ऑडियंस तैयार नहीं है, ऑडियंस को भी तैयार होना पड़ेगा। ऑडियंस आर यू रेडी? अगर तैयार है तो जोरदार तालियां हो जाए। पेनल्टी शूट आउट यहां शुरू होगा, यहां पर पहला शूट लेंगे अंजुमन एफसी के खिलाड़ी, इसका मतलब सेव करने के लिए झारखंड फुटबॉल क्लब के गोलकीपर अपने मार्क पे जाते हुए, अंजुमन के खिलाड़ी शूटिंग मार्क पे जाते हुए। स्क्रीन पर सारे लोगों की नजर, यूट्यूब में देखने वाले सारे लोगों क्यूरियस, मैदान में बैठे वाले सभी दर्शक बहुत ही उत्सुक, देखना होगा ये पेनल्टी शूट आउट किस तरफ जाएगा, कौन जाएंगे अगले पड़ाव में। गोलकीपर रेडी, शूटर रेडी, रेफरी का विजिल का इंतजार। पहला शूट अंजुमन के लिए, बहुत ही आसानी के साथ
ये पहला शूट करते हुए शारिक वन शूट वन गोल, अभी पहला शूट लेने के लिए अपनी टीम के लिए झारखंड एफसी के खिलाड़ी शूटिंग मार्क पे आते हुए गोलकीपर अंजुमन के तैयार बॉल को संभाले हुए इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे हैं और रेफरी के इंस्ट्रक्शन पर गेंद को वहां पर झारखंड के खिलाड़ी अपने शूटिंग मार्क पर सेट करते हुए शूटिंग मार्क पे सेट किया खिलाड़ी ने, गोलकीपर वहां पर अपने आप को पोजीशन कराते हुए, ये पहला शूट होगा झारखंड एफसी के लिए, काफी दूर से वो शूट लेने की तैयारी में, गोलकीपर तैयार शूटर तैयार, बहुत ही पावरफुल शूट, बहुत ही ऊंचा और उतनी बड़ी कोशिश, सही डायरेक्शन में जंप किए थे गोलकीपर, उंगलियों को गोल में जरूर गई लेकिन बहुत ही जबरदस्त वहां पर गोलकीपिंग एज वेल एज शूटिंग का प्रदर्शन, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए दर्शकों, लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां हो जाए, ये पेनल्टी शूट आउट है, एक एक का स्कोर वहां पर दोनों टीमों के लिए एक एक शूट के बाद। अंजुमन के लिए दूसरा शूट, गोलकीपर तैयार शूटर तैयार, और कोई चांस नहीं, नो चांस व्हाटसोएवर फॉर द गोलकीपर, पूरी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में गोल करने में कामयाब हुए अंजुमन के खिलाड़ी। स्कोर लाइन अंजुमन टू, टू शूट्स, झारखंड एफसी वन आफ्टर वन शूट, झारखंड एफसी का ये दूसरा शूट, खिलाड़ी आ रहे हैं पूरी अपनी तैयारी के साथ, गोलकीपर गोल पोस्ट में मौजूद, पेनल्टी शूट के माध्यम से ये मैच का फैसला होने वाला है। तीन शूट अभी तक हो चुके हैं, टोटल 10 शूट्स में से दो शूट अंजुमन ने लिए हैं, दो गोल स्कोर किए हैं, एक शूट झारखंड एफसी ने लिया है, एक गोल स्कोर करने में कामयाब, अब लेंगे दूसरा शूट अपनी टीम के लिए। गोलकीपर वहां पर तैयारी करते हुए, स्ट्राइकर तैयार, गोलकीपर भी तैयार, दूसरा गोल, पूरी क्षमता के साथ कोशिश जरूर की है लेकिन खिलाड़ी कामयाब रहे, स्ट्राइकर शूट करने में बहुत ही सिंपल पावर के साथ पोस्ट में बॉल को दाखिल करने में कामयाब। दो दो, टू ईच, चार शूट्स चार गोल्स, दो अंजुमन के फेवर में, दो झारखंड एफसी के फेवर में, तीसरा शूट अंजुमन के लिए, तालियां हो जाए दर्शकों, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड शूट फॉर अंजुमन, कोई चांस नहीं, बिल्कुल मूवलेस, हिलने का चांस नहीं, और ये तीन गोल अंजुमन के लिए, अंजुमन थ्री झारखंड एफसी टू, तीसरा शूट झारखंड एफसी के लिए लेने के लिए आ रहे उनके खिलाड़ी, गोलकीपर वहां पर माइंड गेम्स की कोशिश जो फुटबॉल में कॉमन है, गोलकीपर वहां पर इस वक्त तीसरा शूट लेने के लिए वहां पर झारखंड के खिलाड़ी तैयार, बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक्सलेंट शूट कहूंगा मैं, कॉर्नर पर कोई चांस नहीं गोलकीपर के लिए,
और ये तीसरा गोल वहां पर झारखंड एफसी के लिए आता हुआ। कुल 6 शूट्स और 6 के 6 गोल में कन्वर्ट हुए हैं, और बढ़िया बात कि 3 गोल अंजुमन, 3 गोल झारखंड। मैच बहुत टाइट अभी भी इक्वल पर चलता हुआ, फुल टाइम में स्कोर्स लेवल 0-0 इस वक्त, पेनल्टी शूट आउट में स्कोर्स लेवल 3-3। ये फोर्थ शूट फॉर अंजुमन, 7वां शूट। और एक्सलेंट एक्सलेंट आई मस्ट से कॉर्नर में लिया जाने वाला शूट बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आसान होता है स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 शूट्स अंजुमन के, 4 गोल, 3 शूट झारखंड के, 3 गोल। ये 4th गोल करने की नीयत से वहां पर झारखंड के खिलाड़ी शूटिंग मार्क पर, शूटिंग पोजीशन पर। झारखंड एफसी के लिए 4th शूट विजल। और ये ऊंचाई पर मारकर बॉल को झारखंड के खिलाड़ी ने अपने टीम के चांसेस को थोड़ा कम कर दिया है। यहां पर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है वो इस शूट को सेव करना। अगर ये शूट गोल में जाता है तो लाल बॉयज जश्न मनाएंगे, और गोल सेव होता है तो फिर एक और चांस झारखंड के लिए रहेगा। बट इस शूट के ट्रेंड को देखकर लगता है अंजुमन बॉयज बहुत कॉन्फिडेंट, उनके गोलकीपर तैनात वहां पर झारखंड एफसी के। 5वां शूट अंजुमन के लिए, और ये गोल होता हुआ, और 5-3 के स्कोर लाइन से ये मैच समाप्ति पर। और अंजुमन